हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। देखो कौन आया है और कौन जा भी रहा है। ओके, तो हम जा रहे हैं ट्रिप पे। सोलो ट्रिप नहीं है ये, मेरी निहा के साथ ट्रिप है। हम पहली बार ट्रिप पे जा रहे हैं अकेले, है ना। हम पहली बार दोनों साथ में जा रहे हैं। हालांकि हम मुंबई में भी बहुत बार जाते थे, बट ये हमारी पहली ऐसी ट्रिप है जो हम दोनों साथ में कहीं दूर जा रहे हैं। ये एक सरप्राइज़ है कि हम कहाँ जा रहे हैं। Happy birthday to me. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Pooja Didi. Happy birthday to you. Love you. Okay, do you want to say anything to your friends? हम आएंगे नहीं तेरे ब्लॉग में। जल्दी आना। Do you want to say anything to the fans? Huh? Do you want to say anything to the friends? To your fans? Yes. You too. Okay, so yaar fans, thank you guys, love you. And yes, अभी मुझे जल्दी जल्दी आना चाहिए, तो मैं जल्दी ही ब्लॉग बनाऊंगी, लेकिन मैं थोड़ा सा बिजी रहती हूँ इसलिए मैं नहीं बना पाती हूँ, एंड आई एम सो सॉरी फॉर दैट। एंड यस, फॉर ऑल दीज थिंग्स, थैंक्स टू छाया, लव यू यार। 10 साल बाद मैं अपनी फ्रेंड से मिल रही हूँ, तो हम लोग बहुत ज़्यादा बिजी हैं बातें करने में। जब से मैं आई हूँ हम लोग बस बातें किए जा रहे हैं, तो यस 10 साल बाद हम मिल रहे हैं। दिखाओ, छाया जल्दी आ, केक तो खा ले, अच्छा जल्दी आ। ओके, थैंक यू। तो ये छाया है, शी इज माई फ्रेंड। हम कोटा में साथ में पढ़ते थे और अब हमें 10 साल हो गए। अरे डॉक्टर है, हॉस्पिटल की छत पे। हाँ, ये डॉक्टर है भाई। और थैंक यू। ओके गाइस, कैमरामैन भावना के साथ आज का ब्लॉग खत्म हुआ। ये मर रही है ठंड में, देखिए कच्छा पहन के घूम रही है ये। और ये मेरा बड़ी है भैया, ये मेरे को कहीं अकेला नहीं छोड़ता, इसको पता है। इसको पता है कि मैं स्टूडेंट नहीं रह सकती। ओके गाइस, हाय। सो टुडे इज माय बर्थडे और मैं देखो कैसे पड़े हूँ। हीटर चल रहा है और ये मोटी देखो हीटर चला के कैसे पड़ी है। हम कहीं नहीं गए, छाया के पास आए हुए हैं। छाया अपना काम कर रही है, डॉक्टर है वो बेचारी, हम लोगों की तरफ बेली थोड़ी क्यों। व्हाट बेली यार, इट्स माय विंटर लीव्स। ये क्यों लगा रही, हटा इसको। मतलब हम दोनों तो मतलब ऑफ कोर्स छुट्टियों पे हैं, मैं भी लीव पे हूँ, ये भी लीव पे है, लेकिन वो बेचारी काम कर रही है। वो तो नीचे उसका हॉस्पिटल है तो वहीं पे गई हुई है और हम सुबह से ऐसे ही पड़े हुए हैं। मैं उसका वेट कर रही हूँ, इतना सर दर्द हो रहा था ना मेरे को, फिर वो आके मेरे को मेडिसिन दे के गई। हम भूल गए कि हम डॉक्टर के पास हैं। उसने बोला था हम लोग कहीं घूमने जाएंगे, लेकिन कहीं जाने का मन नहीं कर रहा है। अच्छा गाइस, देखो बहुत टाइम बाद वीडियो आ रही है मेरी ये, तो प्लीज़ लाइक कर देना इस वीडियो को, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम नहीं होता है। तो आई एम सो सॉरी यार, मैं ट्राई करती हूँ कि मैं रेगुलर ब्लॉग बनाऊँ, अपलोड करूँ, बट मेरे को टाइम नहीं मिल पाता है। रात से जिस दिन से ये आई है ना, उस दिन से इसने हीटरों को चला चला के भाई मैं बता नहीं सकती, मेरे को गर्मी लगने लगती है, इतना हीटर चलाती है ये। सी, और पता है मेरी किस्मत इतनी खराब है गाइस, मेरा बर्थडे है और मेरे पीरियड्स आ गए हैं। ऐसे ही न्यू ईयर पे हुआ था फर्स्ट को और ऐसे ही अभी हुआ है, तो कैसे कहीं जाने का मन करेगा, कैसे कुछ करने का मन करेगा यार। स्पेशल डेज पे मेरे को ऐसे होता है ना, मेरे को बहुत बुरा लगता है, तो इसलिए मैं बड़ी हुई हूँ यार। कोई मेरे को खाना दे दो, नेहा मेरे को खाना दे, नेहा नहीं दिया था मेरे को सुबह खाना जो आपने खाया। अभी हम मैगी बनाएंगे, छाया ने बोला है हम मैगी बनाएंगे, उसने बोला है हम कढ़ी भी बनाएंगे, बट अभी तो कुछ बना नहीं है, 5 बज गए, खुद भी भूखे। हाँ जी ब्रो, टाइम देख ले। ओके
मुझे लगा 10 बज रहे हैं. आर यू फकिंग किडिंग मी? तू 2 बजे तो सो, 2 बजे मैडम सो के उठी है और बोल रही है 10 बज रहे हैं. हैव यू लॉस्ट योर माइंड भैया? तूने टाइम नहीं देखा, फोन चला रही है तू. यार ये लड़की कैसे 2 बजे सो के उठी है ये. हम लोग राजस्थान घूमने आए थे और हम लिटरली बेड पे पड़े हुए हैं. हमारे जैसा कोई इंसान नहीं हो सकता भाई. जानवरों से भी बदतर लाइफ कर लिया हमने अपनी. मैं तो नहीं जाऊंगी. वो तब से बोल रही है कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी. जब ऐसे बोलेगी तो मेरा कैसे मन करेगा? मेरे को तो लोग वो होने चाहिए जो उठा के घसीट के लेके जाए. नहीं चल भाई, मैं तो ऑफ वाले दिन कहीं ना जाऊं. और मैं तो घूमती रहती भाई. अगर मैं ऐसी आने जाने वाली होती ना तो छाया से मिलने के लिए मेरे को 10 साल नहीं लगते. एक यहाँ पे ऐसे पड़ी हुई है और एक यहाँ पे ऐसे बाल फैला के पड़ी हुई है. ये मेरा बर्थडे चल रहा है और आज मैं 2 बजे मेरी ट्रेन की टिकट है. रिलैक्सिंग चिलिंग, ऐसा बर्थडे चाहिए था मेरे को. हम कब मिलेंगे छाया फिर? वेरी सून. तो शादी में मिलेंगे गाइस, इसकी शादी है. और पता है ये मेरे से छोटी है. हाँ ये तो बता दूं, ये मेरे से छोटी है. ये नहीं बताना था. ये मेरे से छोटी है भाई. और इनकी शादी हो रही है. तो कितने साल की है ये तो बता दे. मेरी एज तो तुम लोगों ने रिवील कर दी. 28. हम तो पब्लिक फिगर नहीं है ना ब्रो. बताना. हेलो गाइस, रात के बज रहे हैं 2 और मैं और नेहा बैठे हैं स्टेशन पे. मतलब ये तो मेरा एक सपना था जो पूरा हो गया. आधी रात में हम दोनों स्टेशन पे बैठे हैं. मूवी का सीन लग रहा है मेरे को, है ना. और ये स्टेशन पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग नहीं है, बहुत कम लोग हैं यहाँ पे. और हम ट्रेन का वेट कर रहे हैं 2 बजे. और मुझे चेक करना नहीं आता कि हमारी जो सीट है वो कंफर्म हुई है भी या नहीं. यार मैं ऐसे ट्रैवल क्यों करती हूँ? मतलब मैं ट्रैवल करते टाइम कुछ भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ नहीं करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है. अभी छाया ने बोला है कि वो चेक करके बताएगी. नहीं अब ये कुछ बोल रही थी. बोल जल्दी. बोला तो मैंने. ये मैडम बोल रही है और मैं इतनी ज़्यादा बेफिक्र रहती हूँ, मतलब कि मेरे साथ दीदी जा रही हैं. दीदी सब देख लेंगी. देख लेती है ब्रो, दीदी संभाल लेती है सब. मैं संभाल लेती हूँ यार सब. सोचो तो ये मेरा बहुत अच्छा डिसीजन था रात में निकलने का, क्योंकि दिन बर्बाद हो जाता. देखो वहाँ पर टाइम कैसे दिखाऊँ. 2:11 हो रहे हैं उधर. सही 2:11 हो रहे हैं. सुबह हम दिल्ली पहुंच जाएंगे. हालांकि ये ट्रेन हमें थोड़ा सा लेट पहुंचा रही है. आए थे तो हमें 3 घंटे लगे थे और ये हमें 4-4.5 घंटे में पहुंचाएगी. और यहाँ पे एकदम सुनसान है, बहुत मज़ा आ रहा है मेरे को. और पता है ये राजस्थान का ना छोटा सा शहर है दौसा. यहाँ पे लोग भी बड़े गिने चुने हैं. ओके तो हमारी सीट कंफर्म हो गई यार. वी आर सो लकी. हमारी एंड टाइम पे सीट कंफर्म हो जाती है. अभी अभी छाया का मैसेज आया कि ब्रो सीट कंफर्म हो गई. तो अभी मैं जा रही हूँ. मज़ा आ रहा है यार मुझको. मेरी ट्रेन आ गई. ये यो ट्रेन आ गई. यार सैड न्यूज़ है, ट्रेन छूट गई यार. बोल रही थी दीदी आज तक मेरा कुछ भी मिस नहीं हुआ. मैंने कहा मेरे साथ ना इसलिए ट्रेन मिस हो गई. बहन जी कैसे हो गया यार, आंखों की सब क्या हो गया? ट्रेन मिस हो गई गाइस. क्या करें, अभी 2.5 घंटा है दूसरी ट्रेन आने में. शिट यार ट्रेन मिस हो गई गाइस. गाइस हमारी ट्रेन छूट गई यार. और दीदी व्लॉग शूट कर रही है ट्रेन छूट गई रात के 2 बजे. यार पता है बहुत बदतमीजी हुई है यहाँ पे. मतलब मेरे को समझ नहीं आता लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं. पता है अभी भी स्टिल आई हैव टिकट यार. टिकट पे मेंशन है बहुत क्लियरली कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आएगी ट्रेन और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आई है. नेहा आई हैव टिकट बेटा. टिकट भी है, टिकट पे भी मेंशन है प्लेटफॉर्म नंबर 1 और हम 1 पे वेट कर रहे हैं.
और हम भूल गए कि ये भारतीय रेलवे है। हाँ, और ये कतर एयरवेज नहीं है जो लिखा है 350 तो दिस इज रॉन्ग। दीदी बोले नहीं है, सामने क्यों हो रही है? तो मैंने बोला कि दीदी लेकिन ये कोई और होगी। तो फिर हमने अंकल से पूछा, अब लोकल्स को ज्यादा पता होते हैं यहाँ पे, तो वो बोले कि नहीं मैडम ये तो जयपुर जाएगी, ये वाली दिल्ली जा रही है। मैंने कहा हमें तो, और वो लोग क्या बोल रहे हैं कि पटरी में से पार कर लो। मैंने कहा पटरी में तो पार नहीं करूंगी मैं, कट गई फिर। हम ओवर ब्रिज से आए, सच में दौड़ दौड़ के आए यार, इतनी तेज आए, हमारे पास लगेज भी था। ये मेरे को मेरा बर्थडे विश कर रही है, हमारी ट्रेन मिस हो गई है ये ऐसे आधी रात में किसी अनजान शहर में, राजस्थान के किसी अनजान शहर में। तो बस ट्रेन छूट गई, अब तक मेरे से फ्लाइट छूटी थी, आज पहली बार मेरे से ट्रेन भी मिस हो गई। नेहा बोलती है कि मेरे से ना आज तक कभी कोई फ्लाइट मिस नहीं हुई है। मैंने कहा हाँ यार मेरे से हुई है फ्लाइट मिस, और तू मेरे साथ है ना, मेरी किस्मत ख़राब है यार, इसलिए आज ट्रेन भी मिस हो गई। 5 बजे वाली ट्रेन से चले जाएंगे, 5:30 बजे एक और ट्रेन आने वाली है यार, बहुत ठंड है यहाँ पे। हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन। यार सी, आप लोगों ने तो देख ही लिया कि क्या फक अप सीन हुआ था। मैं जहाँ खुश होती हूँ ना, वहाँ समझ लेना कुछ तो ऐसा सीन होगा जिसकी वजह से मैं खुश हुई हूँ वो सब स्पॉइल हो जाएगा। आई वॉज सो हैप्पी दैट टाइम कि ओ माई गुडनेस, मैं 2 बजे स्टेशन पे हूँ और रात में जा रही हूँ, पर मेरी ट्रेन छूट गई। मैंने भाई, मेरा इंटेंशन नहीं था ट्रेन छूटने। नेहा बोलती है दीदी सब लोगों को लगेगा आपका इंटेंशन होता है फ्लाइट छोड़ना ट्रेन छोड़ना। नहीं भाई, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, वो भी आधी रात में, वो भी ठंड में, नहीं कोई इंटेंशन नहीं था। बट पता है यार, सबसे गंदा जो सीन हुआ था वो ये था कि ट्रेन छूट गई और उसके बाद कोई ट्रेन नहीं थी। आई मीन फ्लाइट तो कम से कम बैक टू बैक फ्लाइट होती है दिल्ली के लिए, 5:30 बजे से पहले कोई ट्रेन ही नहीं थी। सारी ट्रेन्स चेक कर ली, कोई दिल्ली नहीं आ रही थी। 2 बजे के बाद वो डायरेक्ट 5:30 बजे एक ट्रेन आने वाली थी जो कि 6 बजे आई थी बाद में। और मैंने उस ट्रेन में, मैंने और नेहा ने विदाउट एनी टिकट ट्रैवल किया। और जब टीटी आया तो थोड़ा सा पंगा हुआ था, बट मैंने बोल दिया कि यार जब, और हाँ मैं रेडी थी टिकट करने के लिए, बट सीटी अवेलेबल नहीं थी, टिकट ही नहीं मिल रहा था। तो मैंने सोचा अब जो भी होगा देखा जाएगा, यार जाना तो है एनी हाउ दिल्ली, अगली वाली ट्रेन में है और अब टिकट नहीं मिल रही है तो विदाउट टिकट जाएंगे, कुछ नहीं कर सकते। अब ये फ्लाइट तो है नहीं कि भाई बिना टिकट के एंट्री नहीं होगी, तो ये अच्छा है कि मतलब ट्रेन में, बट दिस इज़ रॉन्ग एक्चुअली, आपको बिना टिकट के ट्रैवल नहीं करना है। बट मैंने फर्स्ट टाइम, मैंने और नेहा ने, एक्चुअली यार हमारा तो फर्स्ट टाइम ही था ऐसे ट्रैवल करना, मेरा भी और नेहा का भी, हम दोनों को कोई आइडिया नहीं था और हमें आना था एनी हाउ, क्योंकि भाई आधी रात में हम वहाँ आए थे और कोई मतलब कोई ऑप्शन नहीं था। तो हमने बिना टिकट के ट्रैवल किया था, दैट वॉज सो हॉरिबल, क्योंकि मैं बता नहीं सकती यार, इतना ज़्यादा रश था उस ट्रेन में, बहुत ज़्यादा रश था और हम पूरी रात सोए नहीं थे, लेकिन फाइनली हम ऐसे कोई 11 बजे के आसपास घर पहुंच गए थे। तो यस, बर्थडे बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा था, छाया ने बहुत ज़्यादा कुछ किया यार, थैंक यू छाया, थैंक यू यार, लव यू एंड मिसिंग यू सो मच यार। बस लास्ट में थोड़ी सी चीज़ें अजीब हो गई थी, बट कोई बात नहीं, हर एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको। मुझे तो, मैंने आगे बोल रही थी कि जब तू बुड्ढी हो जाएगी ना तो तू याद रखेगी दीदी के साथ मैंने ट्रेन मिस की थी। दीदी बोलती है हाँ दीदी वो करीना कपूर की एक मूवी थी ना जब भी वेट, उसने भी उसमें ट्रेन मिस की थी। मैंने कहा बट हमको कोई शाहिद कपूर नहीं मिलने वाला है। सो दैट्स इट, और मैं अब ट्राई करूंगी जल्दी ब्लॉग लेके आने का। तो आप ये ब्लॉग एंजॉय करो, लव यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर।